शेड्यूल कास्ट प्रोफेसर। अरे बिल्कुल आपको लगेगा ना, आप बताओ ना शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर क्या शेड्यूल, वो हिंदू नहीं है, हिंदू है तो बेइज्जती कैसे कर रहे हो? शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हो तो आप पक्ष में क्यों बोल रहे हो? आपके पास परमिशन था? किस चीज का परमिशन? प्रदर्शन का था। डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक परमिशन है यहाँ पे सर। डेमोक्रेसी में तो लड़ने के लिए हमारे पास अपना पूरा राइट है, तो किसी को लिखने का भी तो राइट है सर। हाँ तो है ठीक, डेरोगेटरी कमेंट्स क्यों दे रहा है? डेरोगेटरी कमेंट भी है, दूसरे की आस्था का सम्मान करने का, उसका विरोध करने का। क्या हद कर दी आपकी आस्था बताइए तो? बिल्कुल खतना जैसा शब्द शिव जी के लिए लिखना बहुत ही अपमानित है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है और आप जब लोगों को अच्छा आप तय करो कि हम क्या बोले। आप जब दलित स्वरण करिएगा, आप जब दलित स्वरण करिएगा, दलित प्रोफेसर के खिलाफ प्रदर्शन करें, एक दलित लाइए वो प्रोफेसर है, मेन बात है यहाँ का, और उसने शिव का अपमान किया है, इस वजह से यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। मैं इस समय हिंदू कॉलेज के अंदर हूं कैंपस में और आपको दिखाऊंगा कि कुछ छात्र हैं जो प्रोफेसर रतन लाल जो शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए हैं और मीडिया को लेकर कहा जा रहा है कि आप क्यों आ सकते हैं। सवाल है कि छात्र प्रदर्शन कर सकते हैं तो मीडिया क्यों नहीं आ सकती है? कुछ छात्र हैं, उन्होंने पुतला जलाया है, प्रदर्शन किया है, उन छात्रों से बात करेंगे। हैं क्या नाम है सर आपका? ऋषि। प्रदर्शन में आप भी थे? प्रदर्शन में मैंने। आपका क्या नाम है? यश। आप भी प्रदर्शन में थे? जी। क्या नाम है? यश। क्या प्रदर्शन करने आए थे? ये रतनलाल सर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, सब हाँ। बच्चे कर रहे थे हिंदू कॉलेज के। हाँ हाँ। तो सारे बच्चे हिंदू कॉलेज के थे, मतलब सारा बच्चा प्रदर्शन क्यों क्यों रतनलाल से क्या दुश्मनी है? हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है सर, तो हमारे टीचर हैं। हाँ। मैं उन्हीं के डिपार्टमेंट का हूँ। हाँ। तो परमिशन ली थी प्रदर्शन की? सर वो तो जो ऑर्गेनाइज करा रहे थे। कौन ऑर्गेनाइजर है? सोचिए, ये कह रहे हैं कि कोई परमिशन की नहीं थी और मीडिया को परमिशन मांगा जा रहा है। मैं और लोगों से बात करता हूँ, छात्र हैं, सोचिए हिंदू कॉलेज के छात्र हैं, देश का सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज है। आप लोग भी प्रोटेस्ट में थे क्या, या आप लोग छात्र हैं? तो आप लोग को स्मूथ एंट्री मिल रही है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही है प्रदर्शन से? अभी तक तो नहीं, स्मूथ एंट्री नहीं मिल रही है? मिल रही है अभी तो। प्रदर्शन से आप लोग प्रदर्शन के पक्ष में है, खिलाफ है? हम दोनों साइड में नहीं है। ओके, तो ये छात्र है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, तो वो मेन गेट पर है। कौन और कोई है प्रदर्शन करने वाला छात्र? आप हैं? कोई है? आप सोचिए, सवाल है कि दिल्ली हिंदू कॉलेज में एक शेड्यूल कास्ट प्रोफेसर के खिलाफ प्रदर्शन होता है, मीडिया को कहा जा रहा है कि आप क्यों आ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि आखिर प्रदर्शन की परमिशन किसने मिली, परमिशन किसने दी। पूरा मामला सब ज्यूडिस है, कोर्ट में है पूरा मामला। जज ने कहा है कि बिल्कुल आप रतनलाल बोल नहीं सकते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स है, प्रदर्शन कर सकते हैं छात्र, लेकिन कैंपस में मीडिया को नहीं आने दिया जा रहा है। रतनलाल जी का घर यहाँ से लगभग 50 गज की दूरी पर है, पुतला दहन किया गया है। तो सोचिए इसको कैसे सेंसिटाइज करने की कोशिश हो रही है हिंदू, ये इसको प्रोफेसर रतनलाल जो खुद हिंदू धर्म से हैं उनको हिंदुओं के खिलाफ बताया जा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बात करने की कि कौन लोग थे। देखिए पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेडीज़ पुलिसकर्मी हैं, यहाँ गेट पर ताला बंद है और उन लोगों से बात करेंगे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, रुकिएगा। हैं क्या आप लोग प्रोटेस्ट? देखिए पुलिस की भी तैनाती है और ये देखिए। हैं क्या सर, परमिशन थी आप लोगों ने दिया था क्या प्रदर्शन के लिए? सर परमिशन थी क्या सर, इंस्पेक्टर साहब? हम तो एंटाइटल ही नहीं बोलने के लिए, आप डीसी साहब से बात करें। सर कॉलेज के कैंपस में प्रोटेस्ट हो रहा है तो परमिशन तो होगी? अंदर की परमिशन हमारे से थोड़ी लेंगे, प्रिंसिपल मैडम से पूछो आप। हैं क्या नाम है आप लोगों का, कौन कोई बोलेगा? प्रदर्शनकारी हैं आप लोग? जी। क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धांत है। तो क्या क्यों प्रदर्शन कर रहे थे? जी रतन लाल जी ने जिस तरह से ट्वीट किया था शिव जी के बारे में खतना हाँ। और एवं लिखा था हाँ। उस पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये साबित हो गया कि वो जो पत्थर मिला है वो तो अभी सब ज्यूडिस है मामला। साबित नहीं हुआ है लेकिन हाँ। हमारा एक तरह से सम्मान जुड़ चुका है उस चीज के लिए क्योंकि 50-50 है अभी। तो जज के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए जो अभी मान ही नहीं रहा है कि वो शिवलिंग है। पूरा एविडेंस तो दिख जाए, एविडेंस दिखेगा। मना भी तो नहीं किया ना? मना नहीं किया तो सर भावना कैसे हाथ हो जाएगी? सर भावना कैसे नहीं जागरूक होगी? इस चीज बोल रहे हैं बताओ। मैं पत्रकार हूँ सर,
शेड्यूल कास्ट प्रोफेसर, अरे बिल्कुल आपको लगेगा ना, आप बताओ ना शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर शेड्यूल, वो हिंदू नहीं है, हिंदू है तो बेइज्जती कैसे कर रहे हो, शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हो तो आप पक्ष में क्यों बोल रहे हो, आपके पास परमिशन था, किस चीज का परमिशन, प्रदर्शन का था, डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक परमिशन है यहाँ पे सर, डेमोक्रेसी में तो लड़ने के लिए हमारे पास अपना पूरा राइट है, तो किसी को लिखने का भी तो राइट है सर, हाँ तो है ठीक, कोर्ट जाए, डेरोगेटरी कमेंट्स क्यों दे रहा है, डेरोगेटरी कमेंट्स भी है, दूसरे की आस्था का सम्मान करने का, उसका विरोध करने का, क्या हद कर दी आपकी आस्था बताइए तो, बिल्कुल खतना जैसा शब्द शिव जी के लिए लिखना बहुत ही अपमानित है, अरे तो अभी तो वो पत्थर साबित नहीं हुआ है कि शिव है, अरे साबित नहीं हुआ है लेकिन करके बात करो ना, साबित नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हम छात्र हो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, किस ईयर के छात्र हो, हम सेकंड ईयर के हैं, पूरा नाम बताइए, सिद्धांत सिंह, सिद्धांत सिंह कहाँ के रहने वाले, बलिया के, बलिया के, बताइए कि वो पत्थर है या शिव है, ये तो कोर्ट अभी सब जुडिश है ना मामला सर, लेकिन 90% तो साबित हो चुका है जी उसका स्ट्रक्चर देखे कि वो शिवलिंग ही है, इस आपने हमारी हमारा सम्मान उससे जुड़ चुका है, कोर्ट, अच्छा कोर्ट का फैसला इंतजार नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उसी लिए तो रुके हुए हैं, नहीं तो इतना करने के बाद भी अगर जहां वो कम्युनिटी कह रही है कि हम वहीं पे हाथ धोएंगे, वहीं पे पैर पूछेंगे, वहीं पे कुल्ला करेंगे, कौन कम्युनिटी कह रही है, मुस्लिम कम्युनिटी कह रही है कि हम वहीं पे, अरे सर मैं अभी रतन लाल के बारे में पूछ रहा हूँ, आप इस समय भूल जाइए कि वहाँ पे एक शिवलिंग निकली है, शिव जी का खतना हुआ है ये लिखा गया है, उन्होंने अपने में ही बहुत बड़ा वो नहीं है, वो पत्थर कह रहे हैं सर, वो उस पत्थर के बारे में, पत्थर को भी भूल जाइए, शिवलिंग को भूल जाइए, शिव का, अच्छा इधर आइए ना, ये कह देंगे कि ये शिवलिंग है तो क्या कर किया जाए, आप कह रहा हूँ कि वो सब जुडिश है, मामला कोर्ट में है सर, तो अभी तय होना है, मैं आपके घर को कह दूं कि मक्का है, आप मान लेंगे, नहीं मानेंगे तो कोर्ट जाएंगे ना, तो सर शिव का खतना हुआ है ये क्यों बोलने की जरूरत, सर उस पत्थर का खतना बोला उन्होंने, अरे भाई, अरे सर खतना, भाई ट्वीट निकालिए, अरे सर कोर्ट में जमानत मिल गई, कोई बात नहीं सर, अब हम तो अपना, आपको जज पर भी भरोसा नहीं है, अरे कोर्ट में जमानत मिल गई है इसी आर्गुमेंट पर, हाँ तो मिल गई है सर, कोई बात नहीं, और प्रोटेस्ट करेंगे, और आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग दलित प्रोफेसर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, वही वो इसलिए कि दलित है, कॉन्स्पिरेसी बनाने वाले तो बहुत उठेंगे सर, खिलाफ नहीं है, हम दलित दलित कुछ नहीं जानते, हम बस एक व्यक्ति के खिलाफ है, विशेष व्यक्ति के खिलाफ, वो दलित है इसलिए आप लोग सवर्ण है, इसलिए ये सर आपकी सोच है, ये हमारी सोच नहीं है, क्या नाम है आपका, मेरा नाम अमित पांडे है, एक दलित बताइए प्रोटेस्टर्स में से तो मैं मान लूंगा कि दलित के खिलाफ, देखिए ये कोई दिक्कत नहीं है कि दलित जो दलित है वही दलित का काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, दलित के खिलाफ सवर्ण समाज के छात्र प्रदर्शन, मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में 50 गो दलित, वो नहीं, आप यहाँ प्रोटेस्टर्स बताइए कितने दलित हैं, बहुत सारे, बताइए लाइए, और अंदर है, लाइए ना सर, प्रोटेस्टर्स है मतलब ये बहुत सारे लोग, लाइए ना सर, सर बहुत सारे, क्या नाम है आपका, यू आर ऑल्सो प्रोटेस्टर्स, नहीं नहीं ओके, क्या नाम है आपका, दिव्यज दिप्टा, दिव्यज, आप शेड्यूल कास्ट से हैं, एक शेड्यूल कास्ट का प्रदर्शनकारी मुझे किसी भी व्यक्ति को उसके जाति के आधार पे नहीं, देखिए शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर हैं, सारे के सारे सवर्ण समाज के बच्चे हैं जो उनको टारगेट, सोचिए 100 गज की दूरी है, कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, कोर्ट से जमानत मिल चुकी है रतन लाल की, मामला सब जुडिस है, के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करके एंगल आप कैसे चेंज कर रहे हैं, टॉपिक आपको साफ सर, मीडिया को चौथा स्तंभ बोला, नहीं आपको मारेंगे नहीं, हाथ क्यों लगा रहे हो, हाथ नहीं लगा रहे, मारोगे मीडिया को चौथा स्तंभ, मुझे सवाल कर रहे हो ना सर, सुनिए पहले, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, और आप जब लोगों को, अच्छा आप तय करोगे कि हम क्या बोलें, आप जब दलित स्वरण करिएगा, आप जब दलित स्वरण करिएगा, दलित प्रोफेसर के खिलाफ प्रदर्शन करें, एक दलित लाइए, वो प्रोफेसर है मेन बात है यहाँ पर, और उसने शिव का अपमान किया है, इस वजह से यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, जमानत मिल गई ना, जमानत मिल गई ना, क्या बात, आप क्या नाम है आपका, दलित अग्रवाल, दलित अग्रवाल, अग्रवाल कब से दलित हो गया, अग्रवाल नहीं, बात उसका बात सुनिए पहले, दलित दादरवाल, अग्रवाल कब से, दादरवाल है सर, दादरवाल, अग्रवाल नहीं, दादरवाल, बात सुनिए, पांडे जी सुनिए, बात है साफ साफ बोलो, नहीं आप गलत, आप दलित प्रोफेसर, आप चलो बैंड, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये लड़ोगे, नहीं नहीं आप ऐसा पांडे जी, किस किस कहाँ पढ़ते हो, हम हिंदू कॉलेज पढ़ते हैं, क्या नाम है, अमित पांडे, कहाँ के रहने वाले, बिहार,
कौन से सेक्स, मतलब किस क्लास में हो रही है? अभी सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में है ना। मैं कह रहा हूँ मामला सब जुडिश है, प्रदर्शन करने का आपको हक है। हाँ, हाँ। आप अपनी बात बताइए ना कि रतनलाल से किस बात से प्रॉब्लम? सुनिए तो आप ई लोगों को ई तो नहीं दिखा सकते ना कि स्वर्ण दलित के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, इससे लोगों में डिस्क्रिमिनेशन की भावना पैदा होगी। आप समझ, आप मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, हिंदू मुस्लिम तब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। हम आपको एबीपी हिंदू कॉलेज यूनिट में मुसलमान दिखाए हैं, आप क्या करेगा? अभी हिंदू कॉलेज यूनिट में साकिब अंसारी सब मुसलमान है, वो एबीपी में काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? आप समझ रहे हैं बात? सर मेरे को ये बताओ, दलित ऐसा कुछ नहीं है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत है। हाँ, पूरा नाम बताइए रजत। मेरा नाम रजत है। तो देखिए, आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग एक शेड्यूल कास्ट प्रोफेसर को, दलित प्रोफेसर को, सोचिए उसको लीगली कानूनन प्रावधान है, आप लोग दलित प्रोफेसर को परेशान कर रहे हैं। देखिए सर, मैं हम ये सर आप बोल रहे हैं, हमने तो उनका ना कास्ट देखा। रतन लाल शेड्यूल कास्ट नहीं है। रतन लाल सर का हमको पता ही नहीं क्या है, पता ही नहीं है। संविधान पढ़े हैं कि नहीं? संविधान पढ़े नहीं है। आप किस कैटेगरी के हैं? सुनिए, आपकी कैटेगरी क्या है? मेरी कैटेगरी ओबीसी है। मेरा नाम रजत यादव है। अच्छा, तो ये मत सोचिए कि जो अपर कास्ट लोग हैं ये लोग आके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं तो है। क्या दिक्कत है यादव जी आपको? दिक्कत ये है कि रतल जब वहाँ पे हिंदू हिंदू साइड ने जो क्लेम किया कि वहाँ पे शिवलिंग मिले हैं, तो जब कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि वहाँ पे सर्वे करवाया कोर्ट ने, और उसके बाद उसको अब साबित हो गया कि वो शिवलिंग है। साबित नहीं हुआ है तो मैं कैसे भावना हाथ हो गई? उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो शिवलिंग है या नहीं है। मतलब ये है कि अगर कोई साइड हिंदू साइड क्लेम कर रही है कि वो शिवलिंग है और उसका तुम जानबूझकर आपका घर क्लेम कर दे कि मक्का है, आप मान लेंगे? अरे भैया, तो अगर हम नहीं कह रहे तो कैसे? अरे कल आपका हम क्लेम कर दे मक्का है, मान लेंगे? अरे सर, जो सर कोर्ट का फैसला आने तो दीजिए भैया। तो इट इट आपका आपका घर हम कल क्लेम कर दे कि मक्का मस्जिद है आपका? सुनिए, मक्का मस्जिद छोड़िए, आपका घर कृष्ण मंदिर क्लेम कर देते हैं, घर छोड़ दोगे आप? आप सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, सुनते हैं नहीं आप? अरे आपका घर आप मुझे भगा दोगे यहाँ से? भगा दोगे? भगा दोगे मुझे आप? मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, भगा दो। अरे सर, हमारा भी डेमोक्रेटिक राइट है, सवाल का जवाब दो ना। हमारा डेमोक्रेटिक आपके कोर्ट का फैसला मानो राइट है। कोर्ट का फैसला कोर्ट का फैसला मानेंगे। हाँ। कोर्ट का फैसला राम मंदिर पे भी माना था। हाँ। और अब भी मानेंगे। हाँ। हाँ। लेकिन तो कैसे तय कर रहे हो कि वो शिवलिंग है? तय हो गया। अरे हम तो सर, मेरी बात। यहाँ पर क्या नाम है, नाम बताइए? प्रियांश अग्रवाल। अरे बात तो करने दो यार, आप लोग क्रॉस क्या बोले भाई साहब? क्या बोले? कुछ नहीं। ये देखिए, ये शख्स याद कर लीजिए, शख्स गाली गलौज दे रहा है। दो महिला रिपोर्टर है, एक देखिए, ये दो महिला रिपोर्टर है, ये शख्स गाली गलौज कर रहा है, समझिए कैमरे पर इस तरह की गुंडागर्दी चल रही है। सवाल पूछिए तो ये गाली दे रहा है, ये शख्स, ये तस्वीरें दिखाइए इसकी, ये गाली दे रहा है दो महिला रिपोर्टर को, गाली गलौज कर रहा है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी खड़े हैं। गाली बोलो, गाली माइक पर बोलो। गाली नहीं देता सर। गाली बोलो माइक पर। नहीं देता सर। अरे गाली बोलो, तुमने गाली देता ही नहीं है। नहीं दिया मैंने गाली। तुमने गाली दिया है, हमने सुना है यार। दो महिला रिपोर्टर है मेरे साथ, तुम आप पहले तो आके, अरे आप कौन सी जात के हैं? ये क्या मतलब है कौन सी जात के हैं? एक शेड्यूल कास्ट प्रोफेसर के खिलाफ तुम आरोप लगा रहे जिसको जमानत मिल चुकी है? सर हमने तो देखा ही नहीं शेड्यूल कास्ट क्या है। और अच्छा, कोर्ट ने क्या कहकर बेल दिया उनको? क्या कहा? कि इंडिविजुअल का सेंटिमेंट सर्ट हुए हैं, कम्युनिटी के नहीं हुए हैं। हाँ, तो फिर हम दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल के नहीं हुए हैं, कम्युनिटी के सेंटिमेंट। मैं कह रहा हूँ क्या वो पत्थर शिवलिंग साबित हो गया? उससे साबित होने से फर्क नहीं पड़ता है, ये हिस्ट्री। आज अच्छा, आपका घर मैं कल कह दूं कि कृष्ण मंदिर है, मान लोगे? आप पहले बात तो सुन ली। अरे मेरी बात सुनो, आपका घर। नहीं नहीं नहीं, मैं पहले आर्गुमेंट सुनिए। देखिए, वो वहाँ पे इट इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट कि वहाँ पे शिव मंदिर था और उसको कौन लिख? अरे कोर्ट तय करेगा ना, ये फतवा कोर्ट तय करेगा ना सर, फतवा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।